बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है चिकन वाइट चने, चिक पीस। आधा चिकन है मेरे पास, एक टीन चिक पीस का, टमाटो पेस्ट जो मेरे अपनी तैयार करदा है अपने गार्डन के, और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 क्यूब, गरम मसाला सूखा धनिया 1-1 टीस्पून, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी, और थोड़ा सा मसाला, 1 टेबल स्पून जो है वो बसार है, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैंने इसमें हल्दी भी डाली है, और नमक हसबे ज़रूरत, और ये रही मेथी। अब मैं प्याज उधर काट के रखा हुआ है, प्याज हांडी में शामिल करती हूँ और बनाना शुरू करते हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। आप मेरा चैनल देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल शामिल करती हूँ। चने इसमें थोड़ा सा तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, इनको लाइट ब्राउन करेंगे प्याज को। मिक्स कर लूँ पहले। ये चिक पीस का टीन मैं खोल लूँ और देखती हूँ अगर ये इनफ है या कम है, तो फिर दूसरा टीन खोल लूँगी। ये काफी। अब मैं इनको थोड़ा वॉश भी कर लूँ और फिर वो इनका पानी जो है उससे वॉश हो जाए। बिस्मिल्लाह रखना होगा कि प्याज थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा और ब्राउन करूंगी और फिर इसमें मसाले शामिल कर लूंगी। इस तरह आप बनाएं चिकन और चिक पीस, मज़े के बनते हैं। बिस्मिल्लाह रखना होगा कि अब मैं इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ये शामिल कर लेती हूँ। थोड़ी सी इसकी स्मेल वगैरह खत्म हो गई, लहसुन अदरक की। अब मैं इसमें ये बसार और हल्दी ये शामिल कर लेती हूँ, और थोड़ा सा गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च, नमक अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें इसको। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करूंगी टमाटो पेस्ट, अदरवाइज ये जलना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसमें टमाटो पेस्ट डालती हूँ। अच्छी तरह कश्मीर तो पहले ही अच्छी अच्छी होनी शुरू हो गई है। इसमें जरा सा पानी शामिल करती हूँ फिर मसाला जला दूँ। अच्छी तरह बुनाई करूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मसाले हमारे से बुनाई हो रही है, अभी थोड़ा टाइम और इसको बुनेंगे क्योंकि अच्छी तरह ये जितना अच्छा मसाला तैयार होगा उतनी अच्छी हमारी चिकन और
चने के बनेंगे। और ये थोड़े से धनिया जो मैंने काटा है उसके आगे जो होती है ना धनिया, वो भी मैंने काट लिया, मैंने कहा गया क्यों जाए, ये भी डाल देती हूँ। उनकी बड़ी अच्छी खुशबू है। थोड़ी देर इसको और भूनेंगे, उसके बाद इसमें चिकन चेंज करेंगे। लाई वो हमारी रोटी मसाला हमारा तैयार है। और थोड़ा सा जो ड्राई है इसमें पानी ज़्यादा शामिल किया था तो गले में चिकन शामिल करेंगे। चिकन को भी अच्छी तरह भून लेंगे। जिसमें लाई रखना भी वाकई मसाला तैयार है। अब इसमें मैं चिकन शामिल करती हूँ। पहले इसको मैं 5 मिनट तेज आंच पर पकाऊंगी, उसके बाद थोड़ा गैस के जो है वो कम कर दूंगी, तो चिकन अच्छी तरह पक जाए। इसमें देखें चिकन का कलर चेंज हो गया है, अभी मैं इसको थोड़ी देर और हाई फ्लेम पे पकाऊंगी, उसके बाद थोड़ी देर कवर कर देंगे तो चिकन जो है वो अच्छी तरह अंदर तक रेडी हो। माशाल्लाह जी देखें मसाले का कलर भी बहुत अच्छा और इसकी खुशबू पे ज़बरदस्त। इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। चिकन का अपना भी थोड़ा सा पानी होता है, वो सारा जब सूख जाएगा उसके बाद इसमें चने शामिल करेंगे। इसमें लाई रखना होगा तेल, इसका पानी ड्राई हो गया। अब इसमें ज़रा सा मैं हल्का सा पानी का चौंका दूंगी तो मसाले साथ में लगे। फ्लेम कम करके इसको ऊपर से तेल कर देंगे। कम कर देते तकरीबन 10 मिनट इसको कवर ही रहने दूंगी, उसके बाद चेक करूंगी इसको और चने शामिल कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी चिकन तो तैयार है, अब इसमें मैं चने शामिल करूंगी। चने जो हैं चीन के हैं, इनको गलाने की ज़रूरत भी नहीं थी, और इनको डाल के थोड़ा सा ही भूनेंगे और मसाला मिक्स हो जाए। चिकन चने मुर्ग छोले जो भी नाम दें इनको, माशाल्लाह चने भी मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। जब पानी डालूंगी उसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी 5-7 मिनट के लिए। ये फिर अच्छी तरह मसाला जो है वो चेक करूँ। थोड़ा सा दो तीन के हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। ये मसाला जो भी फ्राई के साथ लगा हुआ सारा इस तरह मैं चमचे से
ये तो कर लूंगी। दो मिनट तेज गैस पे और उसके बाद आंच कम कर दूंगी और ऊपर से कवर। फिर मैं हरा धनिया, मेथी और हरी मिर्चा मसाला ये भी जाएगा। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए, गैस की हीट भी कम कर देती हूँ। ये मेथी मैंने घर की सुखाई हुई है। इसका ये होता है कि ये जब आंडी में डालते हैं ना तो थोड़ी सी ऐसे हो जाती है कि पिसती नहीं है। इसको मैं क्या करती हूँ, ज़रा सा इसको बर्तन को गर्म करके इसमें डालती हूँ, बिल्कुल सही हो जाती है। फिर ऐसे सिर्फ बर्तन को गर्म किया है, मैं इसको फिर आपको दिखाती हूँ मैं इसको पीसती कैसे हूँ। ये मेथी मैंने बर्तन ज़रा सा गर्म किया, इसमें रखी है, ये देखें वो थोड़ा सा ऐसे अंदर रखे अन्य से ना थोड़ी सी हो जाती है ऐसे ऐसे वेट सी होती है ना इस तरह, क्योंकि यहाँ डंप ज़्यादा है ना। ये इस तरह मैं इसको बारीक कर लूँगी, देखें इस तरह ये अच्छी तरह बारीक हो जाती है। और इसमें जो भी ये छोटी छोटी डंडियाँ हैं ये भी मैं निकाल लूँगी। अब मैं इसको, ये हो गई है, हाथ में ले लिया पीस के। अब मैं इसको इस छलनी में डाल के इसको इस तरह कर लूँगी और सारी डंडियाँ जो हैं वो इधर आ जाएंगी। अब जो भी बची है उसको भी थोड़ा थोड़ा ऐसे करूँगी और नीचे आ जाएगी पाउडर। बस डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, चिकन और चने तैयार। अब मैं इसमें ये गरम मसाला और सूखा धनिया ये शामिल कर लेती हूँ, और ये 3 हरी मिर्चें भी चली गई, और ये मेथी ये भी इसमें शामिल करके अब इसको मिक्स करके ज़रा सा बंद कर लेंगे अभी तो। फिर माशाल्लाह हांडी तो हमारी तैयार है। अब मैं सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए बंद करती हूँ, जब फिर डिश आउट करूँगी। और धनिया में बिल्कुल आखिर में जब मैं बंद करूँगी गैस उस वक्त धनिया डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और हरा धनिया डालूँगी अभी। मिक्स करके डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश आउट करते हैं, ये देखें कितना ज़बरदस्त चिकन चना तैयार हुआ। माशाल्लाह जी, चिकन और चने तैयार है, बड़े मज़े के बने हैं। जिस तरह नज़र आ रहे हैं इसी तरह मज़े के भी हैं, ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका कलर चेक करें, देखें आप। मेरा चैनल देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।